नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। इसका क्या परिचय है, क्या केमिकल फॉर्मूला है, क्या लाभ है धारण करने के, कौन इसे धारण कर सकता है, किस धातु में इसे धारण करना चाहिए, क्या धारण विधि है, क्या नियम है, पूरी विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले हम परिचय दे देते हैं कि छह मुखी रुद्राक्ष किस तरीके से होता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष है। सभी रुद्राक्ष हमें एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी जो लेयर्स है, जैसे एक दो तीन चार पांच छह, इस तरीके से जो लेयर्स होती है, आपने आंवला भी देखा होगा, उसमें कलियां निकलती है। इस तरीके से ये रुद्राक्ष में लाइनें होती हैं। यदि वे छह लाइनें हैं तो उसे छह मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। इसे हम इस तरीके से पेंडल रूप में बनवा लेते हैं सुनार से, फिर इसे धारण किया जाता है। रुद्राक्ष आखिर क्या है, इसमें ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है जिसके धारण करने मात्र से ही हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है? तो रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है। रुद्राक्ष का फुल फॉर्म होता है रुद्र का मतलब शिव और अक्ष का मतलब आत्मा, यानी कि शिव की साक्षात आत्मा रुद्राक्ष है। जब शिवजी ने ध्यान मेडिटेशन की चरम सीमा पर थे तो उनके आंखों में से अश्रु टपके थे, उन अश्रु से जो पेड़ उगे थे उनका यह फल होता है रुद्राक्ष, जिसे कहा जाता है। तो इसमें साक्षात चरम सीमाएं की जो ध्यान अवस्था की जो एनर्जी पावर होती है वह इन पेड़ों के फलों में प्राप्त होती है, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र में आप देख सकते हैं, कोई भी तपस्वी हमेशा रुद्राक्ष की माला से ही मंत्र जाप करता है और रुद्राक्ष की माला ही वह गले में भी धारण करता है दोस्तों, क्योंकि इसके धारण करने मात्र से ही हमारे जो ऑरा होता है हमारे शरीर का वह पॉजिटिव होता है, हमारे जो भी नेगेटिव ग्रह है वह शांत होते हैं, हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और इसके धारण करने मात्र से ही हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है। इस चीज को भी आप विशेषकर ध्यान दें कि इसको यदि आपने धारण किया तो जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, यानी कि इस रुद्राक्ष में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, इसमें एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती है। साइंस भी इस चीज को प्रूफ कर चुका है कि रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती है जो कि हमारे ऑरा को पॉजिटिव करती है, हमारे शरीर को पॉजिटिव करती है, हमारे आसपास के जो भी नेगेटिव वातावरण है उसको वह पॉजिटिव करती है। इसका साइंटिफिक रीजन से हम देखा जाए तो इस रुद्राक्ष में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो इसमें कार्बन 50.024% होता है, इसमें हाइड्रोजन 17.79% होता है, नाइट्रोजन इसमें 0.09461% होता है और ऑक्सीजन इसमें 30.45% हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल इत्यादि चीजें भी होती है, जिससे यह बहुत अधिक एनर्जेटिक रहता है और हमारे जीवन में ये बहुत अधिक लाभदायक रहता है। अब सिक्स मुखी रुद्राक्ष से धारण करना चाहिए, इसके लाभ क्या क्या है दोस्तों। जिन जातकों की शादी में देरी हो रही है, यानी कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड रुद्राक्ष होता है, सिक्स मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह शुक्र ग्रह का हम एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड इस रुद्राक्ष को मानते हैं दोस्तों। मैंने पिछले वीडियोस में भी 1 से 5 तक के सभी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दे चुकी हूं कि वह कौन से ग्रह से रिलेटेड है, तो छह मुखी रुद्राक्ष शुक्र देव से रिलेटेड है। तो जिन जातकों की, विशेषकर जो पुरुष है, उनके विवाह में यदि देरी है या वैवाहिक जीवन में यदि उनके परेशानी है तो उन्हें तो अवश्य ही धारण करना चाहिए दोस्तों। धन प्राप्ति के लिए भी इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है, क्योंकि ये साक्षात शुक्रदेव का है, शुक्रदेव माता लक्ष्मी की पूजा आराधना से प्रसन्न होती है। तो यदि आप छह मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी और धन की प्राप्ति आपको होगी। अर्थात यदि आप आर्थिक संकट से परेशान है तो आपको छह मुखी रुद्राक्ष तो अवश्य धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से यह लग्जरी लाइफ भी हमें देता है, यानी कि हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधा है, गाड़ी, मकान, वाहन इत्यादि सभी से यदि आपके जीवन में यह सुख नहीं है, लग्जरी लाइफ का सुख नहीं है, तो छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने मात्र से ही यह सुख की भी प्राप्ति होती है। कौन यह जातक नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में धन की प्राप्ति हो, सुख सुविधाएं, ऐशो आराम हो? तो यदि आप ऐसा जीवन में चाहते हैं तो आपको छह मुखी रुद्राक्ष तो अवश्य धारण करना
आना चाहिए आपके जीवन में। चाहे शुक्रदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रुद्राक्ष सदा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। दोस्तों यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली में नीच के हो गए हैं तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। सूर्य से यदि अस्त हो गए हैं तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। इससे यह वह उसकी पॉजिटिव पावर को इंक्रीज करेगा और शुक्रदेव से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आपकी कुंडली में देने चाहिए वह आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों यदि आपका लग्न शुक्र है और आपकी उसकी डिग्री कम है तो भी यदि आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से यदि आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न की कुंडली है तो भी आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आपकी तुला राशि है, तुला लग्न की कुंडली है तो भी आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और आपके इष्ट देव भी यदि शुक्र देव है तो भी आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि यदि आपको इन सभी चीजों से पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आप यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब इसे किस में धारण करना चाहिए, क्योंकि साक्षात शिव का रूप है चंद्र देव, जो कि शिव के देवता माने जाते हैं, इसलिए इसे हमेशा चांदी में ही धारण करना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान करें, ना तो इसे सोने में धारण करें, ना ही इसे पीतल में धारण करें, केवल मात्र चांदी में ही धारण करें। यदि आप चांदी में धारण नहीं कर सकते हैं तो इससे आप लाल धागे में पिरोकर भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें एक होल होता है, उसमें हम धागा पिरोकर भी धारण कर सकते हैं, या फिर चांदी की चेन भी आप इसमें पतली बनवाकर धारण कर सकते हैं। और इस प्रकार से यह 5 मुखी रुद्राक्ष कैप माला होती है, इसमें भी आप पेंडल बनवाकर धारण कर सकते हैं। किसी को ज्वेलरी पहनने का शौक भी होता है और एक अच्छा सोबर लुक भी यदि आपको चाहिए तो इसमें ये पेंडल इस तरीके से ये टाइट हो जाता है, ज्वेलरी की दुकान से हम बनवा सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर लुक भी आएगा और आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म होगी। तो इस तरीके से आप सिल्वर कैप माला में भी इसे धारण कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास है, आपकी इच्छा हो आप जैसे भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों अब धारण विधि क्या है, सबसे पहले इसे भी नियम पूर्वक हम धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के दिन सोमवार वाले दिन इसे आप धारण कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त देखकर चौगड़िया में। मैंने वीडियो बना रखा है, आप चौगड़िया देखकर जान सकते हैं सोमवार वाले दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। वैसे 10:30 से पहले पहले का शुभ मुहूर्त रहता है। इसे सबसे पहले आप गंगा जल से डिप करके धोइए अच्छे से, फिर कच्चे दूध से आप इसे धोइए और एक साफ कपड़े से पोंछ कर अपने लेफ्ट हैंड में आप इस तरीके से पेंडल बनवा लिया है तो उसे आप लेफ्ट हैंड में इस तरीके से मुट्ठी बंद करके जहां भी आपका पूजा स्थल है वहां बैठ जाइए आसन लगाकर, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करिए या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इन दोनों मंत्रों में से आप कोई सा भी एक मंत्र ले सकते हैं, उसका जाप आपको 108 बार करना है, यानी कि इसको एनर्जाइट करना है मंत्र के माध्यम से, इसे सिद्ध करना है इस रुद्राक्ष को, क्योंकि ये बहुत के हाथों से निकलता हुआ आया है तो ये बहुत अधिक शुद्ध नहीं है, इसलिए इसे मंत्र जाप करके शुद्ध किया जाता है तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। तो इसे आप ओम नमः शिवाय मंत्र से आप इसे शुद्ध करिए, इसे आप पूर्ण रूप से जब ये 108 मंत्र आपके हो जाए उसके बाद आप इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोस्तों अब आपने इसे धारण कर लिया है तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसका आपको पालन करना है रुद्राक्ष धारण करने के बाद। सबसे पहले आपको मांसाहार यानी कि नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करके आप अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब आपका मानना है कि हम तो जीव हत्या नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी एक जीव की हत्या होकर वह जो मृत अवस्था में है उसे भी तो आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वह आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो कोई भी पॉजिटिव चीज आपको वह नहीं दे पाएगी। कोई भी नियम आप पालन कर ले, किसी भी एस्ट्रोलॉजी का यदि आप सहारा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या फिर रत्न धारण करते हैं और आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज का आप विशेषकर ध्यान दें, आपको नॉनवेज छोड़ना ही होगा तभी ये रत्न और मंत्र आपके अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे, अन्यथा आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको आगाह कर देती हूँ, बच्चे का जब जन्म होता है तो हमारे घर में पूजा पाठ निषेध माना जाता है जब तक कि उसका नामकरण संस्कार नहीं हो जाता है। तो उस समय के लिए आप यह रुद्राक्ष की माला यदि आपने धारण कर रखी है, रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है तो इसे आप उतार कर रख दीजिए, फिर पुनः जब नामकरण संस्कार हो जाए उसके बाद पुनः धारण विधि अपनाकर आप इसे पहन सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपके घर में मृत्यु हो
जाए तो 12 दिन बाद इसे आप पुनः धारण कर लीजिए, या आप किसी के दाह संस्कार में जा रहे हैं तो घर पर इसे उतार कर जाइए और उसके बाद घर पर आकर नहा धोकर आप इसे पुनः धारण कर सकते हैं। उस अवस्था में आपको धारण विधि नहीं अपनानी है, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर यदि आपने रुद्राक्ष उतारा है तो आप पुनः पहन सकते हैं, धारण विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 72 घंटे हो चुके हैं उसके बाद यदि आप धारण करते हैं तो आपको पुनः धारण विधि अपनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने कर्म अच्छे करिए। यदि आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको कर्म अच्छे करने होंगे, आप रत्न भी धारण करते हैं तो सबसे पहले आपको कर्म अच्छे करने हैं, यानी कि आपकी आत्मा को शुद्ध आपको करना है, आपको कोई अनैतिक कार्य नहीं करना है, किसी भी दीन दुखियों का दिल आपको नहीं दुखाना है, ना ही अनैतिक तरीके से आपको धन अर्जित करने हैं। दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखें, किसी का भी आप किसी को भी अपशब्द नहीं करें, किसी की भी निंदा ना करें। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आप मान सम्मान नहीं करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, घर पर आप स्त्रियों का सम्मान भी नहीं करते हैं, आप कितनी ही पूजा पाठ कर ले, कितने ही रुद्राक्ष धारण कर ले, लेकिन कभी भी जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन नियमों का यदि आप पालन करते हुए रुद्राक्ष धारण करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। आपकी कुंडली बन चुकी है जब आपका जन्म हुआ, उस समय क्या ग्रहों की स्थिति थी, कौन से ग्रह पॉजिटिव थे, कौन से ग्रह नेगेटिव थे, जो ग्रह नेगेटिव है उन्हें कैसे अच्छा करना है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। आपको कौन से नियमों का पालन करना है, कौन सा रत्न धारण करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है ताकि आपके जीवन में खुशहाली प्राप्त हो, क्योंकि हर जातक यही चाहता है कि उसके जीवन में खुशियां हो। कोई भी ऐसा जातक नहीं होगा जो जीवन में यह चाहेगा कि उसका जीवन अच्छे से नहीं गुजरे। हर इंसान कमाता है, बहुत मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए ही करता है, वह सब कुछ आगे जाकर वह लग्जरी लाइफ जिए इसलिए ही वह अच्छी से पढ़ाई करता है, करियर सेट करता है, लेकिन बाईचांस किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा अवश्य लेना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की यह बहुत ही पुरानी विद्या है, यदि आप इनका सहारा लेते हैं तो 101% आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा। लेकिन बशर्ते कि कुछ नियमों का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप उपाय करेंगे तो ही आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों हो सकता है आपके शेयर करने मात्र से ही उस जातक के जीवन सारी परेशानियां खत्म हो जाए। दोस्तों इसके अलावा जब आप रुद्राक्ष खरीदे तो सबसे पहले आप प्रिफर करें नेपाल का रुद्राक्ष, ये सबसे बेस्ट होता है, हाथ में देखकर ही आप जान सकते हैं कि ये असली रुद्राक्ष है। यदि आपको नहीं पता चलता है तो आप लैब टेस्टेड रिपोर्ट अवश्य ले जब भी रुद्राक्ष आप खरीदे, इस तरीके से उसमें वेट होता है, उसका कलर होता है, उसकी शेप्स होती है और ये लैब टेस्टेड रिपोर्ट यह डिफाइन करती है कि इसे पूरी तरह से जांचा एंड परखा गया है, सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा गया है कि ये असली रुद्राक्ष है कि नहीं है। नेपाल का रुद्राक्ष सबसे बेस्ट होता है। हम देख सकते हैं कि रुद्राक्ष की कुछ ऐसी आकृतियां होती है छोटी छोटी, जो कि हम जो नेचुरल रुद्राक्ष है उसमें ही उभरती है ऐसी आकृतियां, जो आर्टिफिशियल रुद्राक्ष होता है उसमें एक जैसी आकृतियां होती है, लेकिन जो नेचुरल होता है उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पर छोटा है, कहीं पर बड़ा है, इस तरीके से उभार इसमें होता है और हाथ में लेने मात्र से ही पता चल जाता है कि यह असली रुद्राक्ष है। लेकिन फिर भी आप लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ खरीदेंगे तो सबसे अच्छा बेस्ट आपके लिए रहेगा। दोस्तों घर पर आप ऐसा कोई टेस्ट ना करें कि पानी में डिप होने से असली रुद्राक्ष है, तैर रहा है तो असली रुद्राक्ष नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आप ध्यान रखें। दोस्तों आपके कोई भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा वह भी आप कमेंट्स के द्वारा जरूर मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।